स्वागत करता हूँ वर्ल्ड आधार यूट्यूब चैनल पर आईपीएल के महाकुंभ 2022। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीएल के ताजे खबरें और ब्रेकिंग न्यूज। यहाँ पर विराट कोहली अंपायरों के साथ बकझक करते नजर आए। जानिए आखिर हुआ क्या, अंपायर से लड़ गए कोहली। थर्ड अंपायर के 9 बॉल देने पर तिलमिलाई विराट। फील्ड अंपायर ने समझाया तो मुस्कुराने लगे। आईपीएल 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली मैदान पर अंपायर से भिड़ गए। दरअसल गुजरात की पारी के नामे ओवर में शहबाज अहमद बॉलिंग कर रहे थे और चौथी गेंद पर शुभमन गिल स्ट्राइक पर थे। गेंद गिल के पास से निकली और विकेट कीपर अनुज रावत के दस्तानों में गई। शुभमन के खिलाफ आरसीबी ने जोरदार अपील की और अंपायर ने भी उन्हें आउट करार दिया। गिल ने तुरंत रिव्यू ले लिया। रिप्ले में नजर आया कि गेंद बल्ले से लगे बिना अनुज के ग्लव्स में गई थी। अंपायर गिल को नॉट आउट देने वाले थे, लेकिन तब थर्ड अंपायर ने विकेट कीपर के ग्लव्स पर निगाह डाली तो वो स्टंप के आगे आ रहे थे। ऐसे में नियमों के मुताबिक इस बॉल को 9 बॉल घोषित कर दिया गया। नियम के अनुसार विकेट कीपर के ग्लव्स स्टंप की लाइन के आगे नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो 9 बॉल दी जाते। भड़क गए कोहली। थर्ड अंपायर के 9 बॉल दिए जाने के बाद पूरी बेंगलुरु की टीम हैरान रह गई। विराट भी तुरंत ग्राउंड अंपायर के पास गए और इस बारे में बात करने लगे। कोहली काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे थे। उन्होंने अंपायर से सवाल भी किया। अंपायर ने उनके सवाल का जवाब दिया तो विराट भी हंस पड़े। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब कोहली अंपायर से जाकर भिड़ गए हो। इससे पहले भी कई बार विराट को मैदान पर अंपायर से उलझते हुए देखा गया है। 14 पारियों के बाद लगाए 50 गुजरात के खिलाफ विराट कोहली ने फॉर्म में वापसी की है। उन्होंने 53 गेंद में 58 रन की पारी खेली। उनके बल्ले से 6 चौका और 1 छक्का निकला है। ये आईपीएल 2022 में विराट की पहली 50 है। 14 पारियों बाद विराट को दर्शकों के सामने बल्ला उठाने का मौका मिला। हालांकि उनकी पारी थोड़ी धीमी रही और उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 109 का था। आरसीबी ने लगाए हार की हैट्रिक। मैच में बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 170 रन और 6 विकेट का स्कोर बनाया था। गुजरात के सामने 171 का टारगेट था, जिसे 19.3 ओवर में 4 विकेट गंवाकर टारगेट हासिल कर लिया। राहुल तेवतिया और डेविड मिलर ने एक बार फिर गुजरात की जीत में अहम भूमिका निभाई। तेवतिया ने मैच में 25 गेंद में 43 रन बनाए। वहीं मिलर के बल्ले से 24 गेंद में 40 रन निकले। इस जीत के साथ गुजरात की टीम लगभग प्ले ऑफ में पहुंच गई है। वहीं आरसीबी को लगातार तीसरे मुकाबले में हार का सामना करना। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है, इस बार आईपीएल का खिताब कौन सी टीम जीतेगी? आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आप विराट को अच्छे कप्तानी मानते हैं या फिर हार्दिक पांड्या को अच्छे कप्तानी मानते हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप इन दोनों में से टीम का किसके फैंस हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। और इसी तरह और वीडियो देखने के लिए वर्ल्ड आर्डर गेम्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है आप लोग के बीच में। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आईपीएल 2022। जय हिंद, वंदे मातरम।